हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरिंग आइडिया विद शिल्पा। आज मैं आप लोगों के लिए गोवा का सेकंड व्लॉग, जो डे 3 और डे 4 का व्लॉग है, ये देखिए। मैंने रेडिसन का आपको पूल एरिया नहीं शेयर किया था, तो मैंने पूल एरिया की सारी वीडियो दिखाई है। तो ये काफ़ी अच्छा था पूल एरिया साइट, और हमने पूल में भी काफ़ी इन्जॉय किया। वाटर वॉज वेरी क्लीन, और हमने यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई, क्योंकि ग्रीनरी बहुत अच्छी थी यहाँ पे होटल में। तो हमने कुछ पिक्चर शेयर करी यहाँ पे, एक फ़ोटो फ्रेम वगैरह भी बना हुआ था फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। अब पूल साइड से इंजॉय करने के बाद हम आ गए अपने रूम में। कृषु ने रूम में भी काफ़ी इंजॉय किया, कभी कहीं जा रहा था कभी कहीं, पूरा रूम उसने काफ़ी एक्सप्लोर किया। ये देखिए कबर्ड में लगा हुआ है, कबर्ड कभी बंद कर रहा है कभी ओपन कर रहा है। उसके बाद उसने बालकनी में भी काफ़ी इन्जॉय किया, बालकनी में बार बार जाके पूल साइड देख रहा था वो। अब इसके बाद हम जा रहे हैं पंजी अपनी स्कूटी पे, और अब हम आ गए हैं यहाँ पे मंडोवी रिवर के पास। यहाँ पे एक फेरी मिलती है जो गवर्नमेंट की साइड से बिल्कुल फ्री है। हम इस फेरी में दूसरी साइड गए थे पंजी की तरफ। पंजी को जाने के लिए यही रास्ता बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, ताकि लोगों का जो ये व्यू है, विजिटर्स का जो व्यू है, वो मिस ना हो जाए। यहाँ पे कसिनो वगैरह हैं, ये शिप्स वगैरह हैं, क्रूज़ वगैरह जो चलते हैं। लास्ट में मैंने एक वीडियो भी शेयर किया, हमने भी यहाँ पे एक क्रूज़ को इन्जॉय किया था इवनिंग में। तो ये देखिए अब फेरी आ रही है यहाँ पर, मैंने उसकी भी वीडियो शेयर करी है आपको। उसके बाद हम उसमें बैठ के जाएंगे फेरी में। ये देखिए फेरी है, ये हर 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये आती है और सबको लेके जाती है, फिर दूसरी साइड से फिर लोगों को लेके आती है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा हमें। आप भी कभी गोवा जाएं तो आप भी फेरी को एंजॉय कर सकते हैं। फेरी का जो ये रिवर साइड का व्यू है सारा रिवर का, ये देखिए क्रूज़ वगैरह, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद अब हम आ गए हैं पंजी क्रॉस करके ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा में ये देखिए बेसिलिका चर्च है, ये गोवा में बेसिलिका चर्च, तो ये काफ़ी अच्छी है। इसमें बॉम जीसस की डेड बॉडी रखी हुई है, बहुत पुरानी है वो डेड बॉडी। तो ये चर्च भी अंदर से काफ़ी अच्छा था, तो हमने इसको भी काफ़ी एंजॉय किया। और इसकी अंदर से वीडियो नहीं बना सकते थे, तो हमने बाहर से ही वीडियो शेयर किया, इसलिए मैंने आपको। तो यहाँ पे हम थक गए थे, हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, पानी वानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, और कृषु भी थोड़ा थक गया था, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद अब हमने यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद, अब हम इसके फ्रंट में ही एक और चर्च है कैथेड्रल, तो हम वहाँ गए थे उसके बाद, वो भी काफ़ी अच्छी लगी हमें चर्च। ये हम आ गए हैं कैथेड्रल चर्च की तरफ, ये बिल्कुल इसके अपोजिट में है, बेसिलिका के बिल्कुल अपोजिट में है कैथेड्रल चर्च। और ये देखिए ये पूरी वाइट कलर की है, तो ये भी काफ़ी अच्छी थी अंदर से भी। और इसमें एक ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बना हुआ है,
बुक्स वगैरह भी आप रीड कर सकते हैं इसके अंदर। अब चर्च को एंजॉय करने के बाद हम आ गए हैं पणजी में दोबारा। पणजी में हमने ये जिनटेक्स, एक काजू की शॉप है, काजू फेमस है गोवा के, स्पेशली स्पेशलिटी है वहाँ की गोवा की, तो हमने जिनटेक्स, हमें किसी ने रेफरेंस दिया था, तो हमें यहाँ के काजू काफ़ी अच्छे लगे, घर आने के बाद सबको अच्छे लगे वो, और हमने यहाँ पे इस शॉप से, ये भैया भी काफ़ी फेमस हैं, तो फिर हमने यहाँ से काजू लिए थे। उसके बाद हमें यहाँ पे भूख लग गई थी, तो हमने टी और स्नैक, टी एंड स्नैक की एक शॉप थी, तो हमने यहाँ पे वड़ा पाव इन्जॉय किया, तो वड़ा पाव बहुत टेस्टी था इसका, तो आप भी अगर पणजी आएँ तो आप भी यहाँ का वड़ा पाव इन्जॉय कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सेव पूरी भी ली थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, तो हमने इसका, हम यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हम अपने क्रूज़ की तरफ निकल गए थे। अब ये देखिए, हमने फिशरमैन का क्रूज़ बुक किया था, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, जो इंडोर था वहाँ पे एक्टिविटी चल रही थी, शो वगैरह थे, तो ये देखिए यहाँ पे बेबीज़ का शो चल रहा है, डांस वगैरह का मिक्की माउस के साथ। उसके बाद इनका जो गोवा का ट्रेडिशनल डांस है वो भी होगा इस क्रूज़ के अंदर, इंडोर एक्टिविटी में। ये देखिए, ये इनका गोवा का जो ट्रेडिशनल डांस है वो हुआ है यहाँ पे, तो इट वाज नाइस। उसके बाद हम यहाँ इंडोर का एंजॉय करने के बाद हम ऊपर चले गए थे रूफ एरिया पे, ताकि रात को ये जो कसिनो का सीन है, ये शिप्स वगैरह है, रिवर, तो वो काफ़ी अच्छा व्यू था, तो हम वो मिस नहीं करना चाहते थे। और ऊपर हमने रूफ साइड एरिया पर डांस वांस भी किया, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पर। उसके बाद अब हम आ गए हैं ऊपर, ये देखिए हमने ऊपर काफ़ी डांस किया, और ये जो रात का नाइट का व्यू है इन क्रूज़ का, कसिनोज का, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इन पर लाइटिंग इतनी अच्छी की हुई है, देखने में बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे ये क्रूज़ वगैरह। मैंने आपको वीडियो भी शेयर करी है, ये देखिए अब सब क्रूज़ वगैरह पर लाइटिंग आ चुकी है। अब नाइट के 8 o'clock हो रहा है, और हम फेरी में वापस जाने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं, और ये देखिए कसिनो की लाइटनिंग देखिए आप कितनी प्यारी लग रही है। और उसके बाद अब हम, मैंने एयरपोर्ट की वीडियो शेयर की है, मैंने लास्ट डे की आपको अभी, हम लास्ट डे दूधसागर वाटरफॉल गए थे, तो वो वीडियो काफ़ी एडवेंचरस है, तो मैंने सोचा उसका अलग से आपको वीडियो शो करेंगे, वो गोवा का बेस्ट पार्ट लगा हमें। तो ये हम वापस जा रहे हैं, और हमें पूरा मास्क वगैरह, पूरी किट दी थी इस बार एयर इंडिया वालों ने कोरोना की वजह से। और ये देखिए, थोड़ी थोड़ी एयरपोर्ट की मैंने लुक शेयर करी है आपको वहाँ के, गोवा के एयरपोर्ट की,
तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा. इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ गोवा जो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगी. थैंक यू सो मच.